Hello everyone, I hope you all are doing well. This is our maths class. In this class, we will study chapter 5, exercise B. Okay, in this exercise, we will learn the properties of division. As we have learned the properties of addition, subtraction and multiplication, in this exercise, we will learn the properties of division. Okay, property number 1. If any number is divided by 1, then the quotient is the number itself and the remainder is 0. जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्वेश्चेंट और क्वेश्चेंट क्या रहेगा, हमेशा वो नंबर ही रहेगा और रिमाइंडर 0 रहेगा. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें दिया था 4005 को अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चेंट आएगा वो 4005 ही आएगा और रिमाइंडर जो रहेगा वो 0 रहेगा. ठीक है, तो कैसे रहेगा एक बार हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि 4005 का डिवाइड हम 1 से कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए 1 4 4 माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर 0 नीचे आएगा, 1 0 0 माइनस करेंगे 0 हो गया, फिर 0 आ गया, 1 0 0 माइनस किया 0, फिर 5 नीचे आया, 1 5 5 माइनस किया 0. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया बच्चों, हमारा वही का वही आ गया और रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए. इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर 0 का डिवाइड हमने किसी नंबर से किया, देन द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 0. फिर क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आएंगे, 0 आएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 का डिवाइड 8 से किया, मैंने 0 का डिवाइड 8 से किया. ठीक है, अब 8 का टेबल मुझे 0 में पढ़ना है तो 0 टाइम में ही आएगा, तो क्वेश्चेंट और रिमाइंडर क्या होंगे, 0 होंगे. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि अगर 0 का डिवाइड हम किसी नंबर से करते हैं तो वो सबको 0 बना देता है. प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर एक्सेप्ट 0 आर सेम, द क्वेश्चेंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 0. अगर डिविडेंड और डिवाइजर सेम है तो क्वेश्चेंट हमेशा क्या रहेगा बच्चों, 1 ही रहेगा 0 को छोड़ के. ठीक है, अगर डिविडेंड और डिवाइजर सेम है, फॉर एग्जांपल मैंने 74 डिवाइडेड बाय 74 किया, डिविडेंड भी सेम है और डिवाइजर भी सेम है, तो हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा, क्वेश्चेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा और रिमाइंडर रहेगा हमारा 0. ठीक है, ओके. और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, और कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता. ठीक है, अगर हम 0 का डिवाइड किसी नंबर से कर रहे हैं तो वो सबको 0 बना देगा, बट अगर हम 0 से किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझिए. ये देखिए, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, मतलब 0 को मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया, ठीक है, तो आंसर 0 आएगा. अगर मैंने किसी नंबर का 0 से डिवाइड कर दिया, जैसे 50 से डिवाइडेड बाय 0, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो ये इन्फिनिटी कहलाता है. तो ये डिफरेंस आप समझिएगा कि 0 का डिवाइड किसी नंबर से करेंगे तो 0 आएगा और किसी नंबर का 0 से डिवाइड करेंगे तो वो होता ही नहीं है. ओके, अब इन्हीं पे बेस्ड ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आइए देखिए. जैसे ए वाला है, डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 54,286. अब किसका डिवाइड 1 से किया होगा कि ये नंबर आया होगा, तो इसी नंबर का डिवाइड 1 से किया होगा तो वही का वही नंबर आ गया. अब 81827 का डिवाइड किससे करेंगे कि 81827 आए, तो 1 से करेंगे. अब 0 में 0 का डिवाइड किससे कर रहे हैं, 182304 से कर रहे हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा. मैंने क्या कहा था, 0 का डिवाइड जिस भी नंबर से करते हैं वो सबको क्या बना देता है, 0 बना देता है. 24635 का डिवाइड 24635 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा. ठीक है, अब सेकेंड हेडिंग है बच्चों, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. इसमें हाँ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं डिवीजन की, डिवीजन बाय 10, डिवीजन बाय 100 और डिवीजन बाय 1000. ये और देखिए, व्हेन द डिवाइजर इज 10
द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द डिविडेंड बिकम द रिमाइंडर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड बिकम द कोएफिशिएंट। देखो, जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक नंबर है 85, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अब मैं जिससे डिवाइड कर रही हूँ, 10 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो जो वंस प्लेस की डिजिट रहेगी ना बच्चों, ये तो क्या बन जाती है इसका रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5। और बाकी जो आगे का नंबर होता है वो क्या बन जाता है बच्चों? कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर मैं 745 को 10 से डिवाइड करूँगी तो इसकी जो वंस प्लेस की डिजिट रहेगी 5, ये क्या हो जाएगी? रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और जो 74 रहेगा आगे का, ये कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, 10 से डिवाइड करने पे, ठीक है। अब अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड करने पे ये होगा, 100 में क्या रहेगा? डिवाइजर 100 रहेगा, ठीक है, 100 में डिवाइजर 100 रहेगा। सपोज डिविडेंड है 4582, ठीक है, डिवाइड बाय 100, मैंने 100 किया, यहाँ तो इसमें 10 में 10 था, 100 में 20 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा वंस प्लेस वाला अकेला रिमाइंडर हो रहा था, यहाँ पे ये 20 है, तो ये दो प्लेस पे जो नंबर है, मतलब वंस और टेंस प्लेस वाले नंबर हमारे रिमाइंडर बचेंगे, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना होगा? 82। और क्वेश्चन कितना होगा बच्चों? 45, ठीक है, क्योंकि 100 में 2 डिजिट्स हैं। सेम 1000 में देखिए, अगर मैंने 483210 इसको मैंने डिवाइड, इसका डिवाइड मैंने 1000 से किया, ठीक है, तो अब 1000 में कितने डिजिट है? 3 0, तो लास्ट की 3 डिजिट ये हमारी क्या रहेंगी? रिमाइंडर। और आगे की जो भी डिजिट रहेंगी वो हमारा क्या बन जाएगा? क्वेश्चन 483। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 85 का डिवाइड मैंने 10 से किया था, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 10 में 10 है, तो 1 डिजिट क्या बन जाएगी? रिमाइंडर, और आगे की डिजिट क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हम कैसे कह रहे हैं कि कैसे बन जाएगी? अपने आप नहीं होता है ये, देखिए फैक्ट देखिए। जैसे कि 85 है, इसका हमने किससे डिवाइड किया बच्चों? 10 से, तो 10 8 80 आ रहा है, माइनस करेंगे, 5 में से 0 गए, 5 बचे, 8 में से 8 गए, 0 बचे, आया क्वेश्चन 8, रिमाइंडर 5 आया, ठीक है। तो ये 10, 100 और 1000 से करने की ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो इन्हीं पे बेस्ड ये हमारी तीनों हेडिंग्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे सेकंड है, इसकी ए वाला क्वेश्चन है 62 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करना है। 10 में कितनी जीरो है बच्चों? 10 है, तो ये जो 2 है ये तो हमारा रिमाइंडर बन जाएगा, और जो 6 है वो क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ई वाला देखिए, 11984, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो वंस प्लेस की डिजिट जो है 4, वो क्या बन जाएगी? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा 11988। आ रहा समझ में? नेक्स्ट देखिए, अब हम 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए 100 से डिवाइड करने में क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर है 4300 डिवाइडेड बाय 100, ओके, अब 100 में कितनी जीरो है? 20, तो रिमाइंडर क्या रहेगा हमारा? लास्ट की 2 डिजिट 0, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? आगे का नंबर 43। और देखिए 30097 डिवाइडेड बाय 100, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 100 से, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएंगी? 100 में 20 है, लास्ट की 2 डिजिट हमारा रिमाइंडर रहेंगी, और आगे की जो डिजिट है वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगी,
ठीक है। अब 1000 से डिवाइड करके देखते हैं, जैसे कि है 4236 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 में 3 डिजिट है, लास्ट की 3 डिजिट हमारा रिमाइंडर रहेंगी और आगे की जो डिजिट है वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और देखिए 3259 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, 1000 से डिवाइड किया, लास्ट की 3 डिजिट हमारा रिमाइंडर बन गई और आगे की जो भी डिजिट थी वो हमारा क्वेश्चेंट हो गया, ठीक है। हमें जीरो, जितनी जीरो होंगी उतने लास्ट के दो नंबर, लास्ट के दो तीन या एक जो भी जीरो हैं उससे वो हमारा रिमाइंडर बनेगा और आगे वाला बचा हुआ हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ 10, 100 या 1000 से डिवाइड करने पर ही लगती है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बच्चों हमारी फिनिश हुई, होप सो आप सभी को समझ आया होगा और जिसको भी डाउट है वो मुझसे क्लियर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।